हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिक गैलेक्सी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे, मेरे पास एक इंडक्शन आया है कि जो इसमें प्रॉब्लम है, जो कि लाइन में लगाने के बाद ये ई जीरो का प्रॉब्लम आता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, बर्तन रखने पर ई जीरो का एरर आता है। तो देख सकते हैं 1300 हीटिंग आता है, बट हीट गर्म नहीं होता है और ई जीरो का एरर आता है। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम ठीक करेंगे, जो कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए सर, लाइन काटो, पहले काट लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड इसे हम पैनल को खोल के हटा लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे, मैंने पैनल को खोल के हटा चुका हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा था कि ई जीरो आ रहा, बर्तन रखने पर ई जीरो आ कह रहा। तो फटाफट हम कॉइल का नट को खोल लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम बस इजी, आप आराम से इसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो बस एक सोल्डिंग आयरन की मदद चाहिए, उसके बाद आप इसे इजीलिए रिपेयर कर सकते हो। फटाफट हम किट को बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं, मैंने किट को बाहर निकाल चुका हूँ। इसमें जो प्रॉब्लम है, तो देख पा रहे हैं इसमें एक पीएफ लगा हुआ रहता है। देख पा रहे हैं, ये बड़ा वाला पीएफ लगा हुआ है, तो ये फिल्टर करता है। तो चलिए फ्रेंड, इसमें हम बताते हैं, ये ई जीरो का एरर, जब ये ई खराब हो जाएगा तो इसके वजह से आपका ई जीरो का एरर आएगा। तो यह यहाँ पे देख सकते हैं, ये सोल्डिंग छोड़ देता है, इसलिए ई जीरो का एरर आता है। तो देख पा रहे हैं, यहाँ पे सोल्डिंग छोड़ दिया था। तो चलिए फ्रेंड, उसे हम अच्छी तरह से हम उसे सोल्डिंग कर लेते हैं। पहले सोल्डिंग से पहले बाहर निकाल लेते हैं उसको, पीएफ को बाहर निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं, ये पीएफ को बाहर निकाल लिए, उसके बाद अच्छी तरह से साफ कर लेंगे जोन साइड, स्पार्क करके सोल्डिंग खत्म हो चुका था। तो फ्रेंड, फटाफट हम इसे अच्छी तरह से हम साफ कर लेते हैं। तो उसके बाद हम इसे किट में हम लगाएंगे, या आप किसी चीज़ से मदद के इसे साफ कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कैंची से साफ कर दिया, उसके बाद हम किट में हम इसे अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो इसे सोल्डिंग छोड़ना, ढीला नहीं कर छोड़ना है, इसलिए अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं, इसे सोल्डिंग कर लेते हैं एक साइड। अब दूसरे साइड जो स्पार्क किया था, उसे अच्छी तरह से हम उसे सोल्डिंग कर लें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसे अच्छी तरह से हम सोल्डिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं, ये मेरा सोल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम किट को लगा के फिर से आपको हम चेक करके दिखाते हैं, ये मेरा काम करता है कि नहीं। फटाफट हम पहले किट को हम लगा लेते हैं। जैसे किट को खोले तो वैसे ही आपको लगा लेना। फटाफट हम इसमें नट कस लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने नट लगा चुका हूँ। तो चलिए फ्रेंड, उसके बाद हम फैन का वायर लगा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सेंसर का पहले वायर लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसमें हम फैन का भी वायर लगा लेते हैं। अच्छी तरह से हम लगा के उसे बैठा लेते हैं। तो देख सकते हैं, उसके बाद हम नट को अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, हम फैन का वायर लगा चुके हैं। तो फटाफट हम इसे वायर का, अब चलिए फ्रेंड देख पा रहे हैं, ये मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद चलिए हम उसके बाद पैनल को हम लगा के आपको चेक करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए उसके बाद हम इसमें लाइन देख आपको चेक करके दिखाते हैं, ये काम करता है कि नहीं। पहले देख पा रहे हैं, ऑन हो चुका है, फंक्शन ऑन करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ई जीरो का इरर, पहले ई जीरो का इरर आता था, फिर के बाद 1200 और 1300 ऑटोमेटिक ये आ जाता था। अब देख पा रहे, पैनल रखने के बाद, बर्तन रखने के बाद ये मेरा काम कर रहा है। पहले देख सकते हैं, गर्म हो रहा है। अगर वीडियो पसंद है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।